Hey guys, what's up? Here is Shivamurat in front of you all. Today we will start a new chapter and a new series. The subject is that we are going to learn is soil and water conservation engineering, and the topic that we are going to cover is bench terracing. Okay, so lots of students ki ye queries rehti hain ki ye jo bench terracing, graded bunds, everything etc. ye jitni bhi cheeze hain ye thoda unable to digest, unable to grab this content कि ये बनाई होती है. अगर आप YouTube भी देखो, अगर या फिर कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख लो कि जहां पर ये टॉपिक लिखा होगा, वहां पर थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी. क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स ही जो है वो क्लियर नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसी सब्जेक्ट में बेसिक भी आपके क्लियर करता जाऊंगा साथ साथ में, और इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से बनाया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि बेंच टेरेसिंग. ठीक है, बेंच टेरेसिंग भी सेम कुछ कंट्रोल फार्मिंग की तरह ही होती है. बस थोड़ा सा फर्क होता है इसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म अलोंग कंटूर्स कट ए हिल इनटू स्टेप लाइक फॉर्मेशन. क्या होता है इसमें बेसिकली कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म, ये देखिए आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म अलोंग कंटूर्स, कंटूर्स जो ये लाइनें होती हैं इसके अलोंग, ठीक है, ये बनाए होते हैं. कट ए हिल इनटू स्टेप लाइक फॉर्मेशन, ये जो हिल पूरी जो माउंटेन है वो कट किस वे में की हुई है कि इसके स्टेप बन जाएं. स्टेप, अब अगर आप आपके घर पे जो सीढ़ियां लगी होती हैं, ठीक है, सीमेंटेड सीढ़ियां होती हैं, वो आप अगर देखो तो बिल्कुल ऐसे होती हैं. तो बेंच टेरेसिंग इज समथिंग लाइक स्टेप फॉर्मेशन जी. तो इससे ये क्लियर है बिल्कुल कि प्लेटफॉर्म बनाने हमने कंटूर्स के, हिल के, स्लोप के तरफ, ठीक है, कि जहां पे डायरेक्शन जा रही है वहां पर हमने सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म बनाने हैं. ठीक है, अब ये बेंच टेरेस होता क्या बेसिकली, अगर हम पढ़े इसको अच्छे से ब्रीफली डेफिनेशंस में, प्लेटफॉर्म्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पर प्लेटफॉर्म बने होते हैं. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि एक बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिल्कुल एक प्रॉपर स्पेसिंग पर. अब ये नहीं कि यहाँ से आपने यहाँ पर बना दिया और फिर बाद में यहाँ से आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर एक लंबी बना दी है जो आपकी जो लेंथ है. ठीक है, तो जो रेगुलर इंटरवल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग भी होनी चाहिए. वर्टिकल ड्रॉप्स और स्लांटेड, अब देखिए वर्टिकल ड्रॉप्स और स्लांटेड का क्या मतलब होता है, इसमें क्या चीजें प्रोवाइड की जाती है. वर्टिकल ड्रॉप्स और स्लांटेड ड्रॉप्स, यहाँ पर ड्रॉप्स लिखना था वो मैं भूल गया लिखना. वर्टिकल ड्रॉप का क्या मतलब होता है कि देखिए ये जो आप यहाँ पर मेरा कर्सर है, ये अगर आप नीचे को देखें ये वाली चीज, ठीक है, तो ये बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल ड्रॉप. और ये अगर थोड़ी सी हल्की सी अगर स्लांटेड हो, ठीक है, थोड़ी सी झुकी हुई हो एक तरफ, तो इसको बोलते हैं स्लांटेड ड्रॉप्स. ठीक है, और ये जो पूरी लाइन होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं राइजर, बोलते हैं राइजर. मैंने तभी हाईलाइट किया है ताकि अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप देख सको कि हाँ राइजर क्या चीज होती है, आप उसको रिमाइंड कर सको फिर से दोबारा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज में ये जो बेंच टेरेसिंग है वो की जाती है. जहां पे आपकी जो लैंड स्लोप है वो 20% से लेकर 30% तक स्लोपिंग एरिया में के अंडर कम आती हो, ठीक है, के अंदर आती हो. अब देखिए कि जैसे हमने ग्रेडेड बंड की बात की थी, वहां पर आई थिंक ग्रेडेड बंड में 2 से लेकर 8% तक होती है जो आपकी लैंड स्लोप होती है. ठीक है, अगर बात करें उसके बाद जो हमने पढ़ा था कोई और टेरेसिंग पड़ी थी, आई डोंट रिमाइंड, मेरे को अभी वो याद नहीं आ रहा, उसमें क्या होता है कि जो लैंड स्लोप होती है वो 2 से लेकर 6% तक होती है. ठीक है, और यहां पर देखो अगर आप अचानक से, तो 20 से लेकर 30% तक होती है. ठीक है, तो ये एरियाज में सुटेबल है जहां पर 20 से लेकर 30% तक जो है लैंड स्लोप आपकी होती है. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टेरेसेस, कौन कौन से प्रकार के टाइप्स होते हैं, अगर हम टेरेसेस के पढ़े, बेंच टेरेसिंग कितने प्रकार की होती है. सबसे फर्स्ट जो है वो है एब्जॉर्प्शन और लेवल और टेबल टॉप टेरेसेस. ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टेरेसेस, इसका नाम एक लेवल टेरेसेस भी होता है और टेबल टॉप टेरेसेस भी होता है. ठीक है, ये फर्स्ट आपकी आपकी आगे जो है टाइप आगे. सेकंड टाइप है आउटवर्ड स्लोपिंग टेरेसेस. ठीक है, और थर्ड टाइप है इनवर्ड स्लोपिंग टेरेसेस. अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन और लेवल टेरेस. ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, किस प्रकार की इसकी डिजाइनिंग होती है. अब देखिए इसमें क्या, कौन से एरियाज में मोस्टली बनाई जाती है, जहां पे मीडियम रेनफॉल हो. ठीक है, मतलब ना ज्यादा ज्यादा हो ना बहुत ही ज्यादा कम हो, मीडियम हो, एकदम बीच बीच में. ठीक है, बीच वाली रेनफॉल. ठीक है,
लेवल स्टेप्स सो दैट इट कैन इन्फिल्ट्रेट ऑल द वाटर। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं अगर आप कर्सर की तरफ देखो तो ये लेवल है बिल्कुल, ठीक है। ये वाले जो स्टेप्स बनाए हुए हैं ये बिल्कुल लेवल है, ठीक है। क्यों लेवल बनाए जाते हैं? ताकि जो पानी है आपका वो पूरी तरह से जमीन में इन्फिल्ट्रेट हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि पानी बहुत ही कम मात्रा में बारिश के रूप में यहाँ पर पड़ रहा है, जितना पड़ रहा है उतना इनफिल्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पर आपके लेवल स्टेप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो कि लेवल टेरेस यहां से ये समझ में आ रहा है कि जहां पे टेरेस आपने लेवल बनाने हैं उसको, वो वाली हमने उसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, लेवल बेंच टेरेसिंग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो कर्सर की तरफ, ये जो आपने अपर पोर्शन देख रहे हो, एम्बैंकमेंट देख रहे हो, इसको बोलते हैं बंड, ठीक है। शोल्डर, शोल्डर बंड बोलते हैं उसको, कि ये लास्ट में लगाई जाती है ताकि जो पानी है आपका, अगर मान लो ज्यादा बारिश आ गई तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर फिर धीरे से इधर को नीचे को जाए। अगर देखिए अगर यहाँ पर ये शोल्डर बंड नहीं ना होगी तो पानी यहाँ से आएगा, ऊपर से पानी गिरेगा, यहाँ पर सीधे जल्दी जल्दी से नीचे को जाता जाएगा, वो भी चीज को खराब हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर शोल्डर बंड एक प्रकार की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये मिट्टी की भी हो सकती है, स्टोन की भी हो सकती है, ठीक है। और सॉइल शुड बी हाईली परमीबल, जो आपकी मिट्टी है वो परमिएबल, उसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज होनी चाहिए। वो क्यों? अगर देखिए अगर आपकी सॉइल परमिएबल नहीं होगी तो क्या होगा कि रेनफॉल आएगी। वैसे तो पहले ये लेवल डैम, ठीक है, तो रेनफॉल आएगी तो जल्दी से जल्दी यहाँ से पानी जो है वो नीचे को बह जाएगा। अगर परमिएबल है सॉइल तो वो जल्दी सोख लेगा, ठीक है। तो सॉइल शुड बी परमिएबल। And the next one is outward sloping terrace. ये इसकी second type है, bench terracing की second type है, outward sloping terrace. अब इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो आपके step थे वो बिल्कुल level हैं, ठीक है, absorption में बिल्कुल level हैं। और outward sloping terrace में क्या होता है कि ये जो step होते हैं ये हल्के से नीचे को झुके होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं outward sloping terrace, ठीक है। आउटवर्ड जो कि बाहर की तरफ थोड़े से झुके हुए होते हैं। अगर आप देखिए शुरू से देखिए, ये भी थोड़ा सा झुका हुआ है, उसके बाद राइजर भी थोड़ा सा झुका हुआ स्लांटेड है, और ये भी चीज फिर से स्लांटेड, फिर से राइजर स्लांटेड, और फिर से ये जो उसका स्टेप है वो स्लांटेड है, ठीक है। तो कौन से एरियाज में की जाती है? ये भी ये जो लो रेनफॉल एरियाज होते हैं उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है। शोल्डर बंड इज असेंशियल, इसमें सबसे ज्यादा असेंशियल होती है शोल्डर बंड, ताकि जो पानी है वो मिट्टी को ज्यादा देर से बहा करना ले जाए, ठीक है, जल्दी से बहा करना ले जाए। स्लोप्स अप टू 15%, कौन से एरियाज में की जाती है? जहां पे जो स्लोप्स है आपके वो 15% तक जो है वो ढलान हो, ठीक है, जहां पे। और सूटेबल फॉर ऑर्चर्ड, बगीचा लगाने में, ऑर्चर्ड मतलब बगीचा लगाने में सबसे बढ़िया जो है प्रैक्टिस ये अडॉप्ट की जाती है, ठीक है जी। अब थर्ड जो है आपकी वो है इनवर्ड स्लोपिंग टेरेस। देखिए जैसे कि आउटवर्ड में आपने पढ़ा कि नीचे की तरफ कुछ झुकी होगी उसकी जो लेंथ है, ठीक है। इनवर्ड में क्या होगा कि पीछे को, अब आप पीछे को आ जाइए, ठीक है, मतलब कि जहां से आउटवर्ड में ऐसे नीचे को जा रहा था, अब ये वाली साइड में झुकी होती है, ठीक है, बेंच जो इनवर्ड स्लोपिंग होती है। इनवर्ड का मतलब अंदर को, ठीक है, तो अंदर को ये स्टेप बने होंगे, ठीक है। इधर तो होगा क्या, ये पिक्चर गलती से लग गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि जहां पे मेरा कर्सर है, अगर यहाँ पे बारिश आ रही है, ठीक है, नीचे को आ रही है, ठीक है, इधर को पड़ रही है, तो पानी क्या होगा, सारा पीछे को आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, पानी सारा कहाँ को आ जाएगा, पीछे को आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो राइजर का एंड है, यहाँ पर एक ड्रेनेज चैनल प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ड्रेनेज होती है जो कि एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देती है, और जितना पानी चाहिए होता है फील्ड में उतना प्रॉपर रहता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट पानी जो है वो उसमें फील्ड में बना रहता है। सूटेबल फॉर हाई रेनफॉल एरियाज, जो एरियाज में सबसे ज्यादा बारिश होती है उसमें सबसे बढ़िया जो है वो इनवर्ड स्लोपिंग टेरेसिंग जो प्रैक्टिस है वो की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द राइजर, समझ रहे हो बात को, ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड। ड्रेनेज क्या होता है कि जहां से एक्स्ट्रा पानी निकलना, कोई भी ऐसी नाली जहां से एक्स्ट्रा पानी निकलना, तो ये राइजर की शुरुआत है, ये राइजर का एंड है। यहाँ पे एक ड्रेनेज पॉइंट दिया होता है जिससे पानी सारा जो है वो बाहर को निकल जाए, ठीक है। गुड फॉर क्रॉप दैट नीड हाई अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर लविंग क्रॉप्स होती हैं उसके लिए सबसे बढ़िया जो है वो टेरेसिंग, वो जो ये जो है इनवर्ड स्लोपिंग टेरेसिंग है, ठीक है जी। तो इसमें डिजाइन ऑफ टेरेस, डिजाइन ऑफ टेरेस की आपने डिजाइन करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो टाइप ऑफ बेंच टेरेस, ठीक है, कि किस प्रकार का जो बेंच टेरेस है वो आप अपनाने जा रहे हो, वेदर इट इज यूर आउटवर्ड, वेदर इट इज इनवर्ड,
और आपका लेवल, ठीक है, कौन किस प्रकार का आप पेंसिल लगाने जा रहे हो उसकी हमने अच्छे से स्टडी करनी है। टेरेस स्पेसिंग कितनी, उसमें स्पेसिंग रख रहे हो आप, टेरेस विड्थ, ठीक है, उसमें जो टेरेस की विड्थ है वो कितनी है, और टेरेस क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था कि क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि टेरेस की जो आप विड्थ हाइट और राइजर की विड्थ हाइट लेंथ एवरीथिंग जो है वो टेरेस क्रॉस सेक्शन में आएगा। तो ये चार बातें जो है वो आपको ध्यान में रखकर ही टेरेस की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। दैट इज योर बेंच टेरेसिंग, ठीक है, डिजाइनिंग। तो उसके लिए वी नीड सम काइंड ऑफ डाटा, ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए कि एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी पड़ रही है वहां पर। अगर तो एवरेज एनुअल रेनफॉल 700 मिलीमीटर से ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो हम 700 मिलीमीटर से ज्यादा पड़ रही है तो हम कौन सा अपनाएंगे, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी को ज्यादा देर जल्दी सो के रखता है ना, ज्यादा देर तक स्टेग्नेशन रहती है वहां पर वाटर की। सॉइल टाइप कैसा आपका, ठीक है, क्रॉप एंड सॉइल मैनेजमेंट, ये इसकी पूरी आपको स्टडी होनी चाहिए, तो तब ही हम इसको डिजाइन में ला सकते हैं, ठीक है जी। आई होप दैट यू गॉट ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज, ठीक है, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी वो यहाँ पर बहुत इजी वे में लेक्चर बनाया हुआ है, कि छोटा सा बच्चा भी इस लेक्चर को समझ लेगा जो 10th और 11th में पढ़ता होगा, ठीक है। तो आप तो फिर भी अब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए आई होप, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा से समझ में आया तो इसको शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर, आपके यूट्यूब चैनल पर, और मेरे को फॉलो कर सकते हो आप। कोई भी क्वेरी है आपको तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।